इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएफओ ने घटाई ब्याज दर, अब 8.1% होगी ईपीएफओ की ब्याज दर। और अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.5% थी दर, लेकिन अब ये ब्याज दर घटा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईपीएफओ ने अपनी ब्याज दरें घटा दी हैं। पहले जो ब्याज दर 8.5 थी, अब उसको घटाकर 8.1 कर दिया गया है। तो अब 8.1% होगी ईपीएफओ की ब्याज दर। और अभी तक वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.5% थी ब्याज दर। तो ये अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। ईपीएफओ ने अपनी ब्याज दरें घटा दी है। पहले जो ब्याज दर 8.5, और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। दुर्गेंद्र जी, क्या जानकारी है ईपीएफओ ने जो ब्याज दरों में परिवर्तन किया है? नहीं, निश्चित तौर पर शांतनु, ये डर नहीं है उन लोगों के लिए जो अपनी भविष्य की निधि, छोटा छोटा एक राशि उनकी नौकरी से, उनकी मेहनत की कमाई से जाती है, नियोक्ता का भी हिस्सा इसमें होता है और जो कर्मचारी है उसका भी हिस्सा होता है। हम लोगों ने जब आज से 30-32 साल पहले नौकरी शुरू की थी पत्रकारिता में, पत्रकारिता देश के बड़े मीडिया संस्थानों में, तो उस वक्त जब हमारे सीनियर से कहा करते थे कि भाई पीएफ ज्यादा कटवाया करो तुम लोग, एक व्यवस्था ऐसी थी कि आप अगर कोई पत्र दे देते हैं संस्थान को तो 12 थोड़ा कटने लगते थे। हमारे सीनियर हमको ये सलाह देते थे कि भाई इसको ज्यादा कटवाया करो, भविष्य सुरक्षित रहेगा। और ये एक बात आपस में बहुत हंसी ठिठोली में कहा करते थे सीनियर्स कि जो पीएफ है ना, ये शैतान की आंत की तरह बढ़ता है। अब वो क्या उनका एसेसमेंट रहा होगा। तो हम लोगों ने बचपन से क्या, जब नौकरी हमने शुरू की तब से ये बात सुनते आ रहे थे। और जो पीएफ को, ईपीएफ को, भविष्य निधि संगठन को अपने भविष्य का एक बहुत बड़ा पहरेदार मानते थे। और लगातार कारण ये था कि इसमें सबसे संगठन हमें देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तमाम तरीके की इसमें समस्याएं आई और धीरे धीरे अब भविष्य निधि संगठन ने भी ब्याज में भारी कटौती कर दी है। तो मेरे पास जानकारी है 40 वर्षों के न्यूनतम स्तर पे ब्याज दर जो है, वो जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसके लिए, जो 21-22 का वित्तीय वर्ष था उसके लिए 8.5% ब्याज दर थी, और 23 के लिए जो आज जानकारी सामने आई उसमें ये 0.4% घटा दी गई है, 8.1% ही रह गई है। ये कुल देश में 5 करोड़ से अधिक इसके जो संगठन के सदस्य हैं, जो तमाम छोटे छोटे उद्योगों में, कुटीर उद्योगों में बहुत ऐसे लोग हैं शांतनु, आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने इसी भविष्य निधि के दर, उन्होंने बहुत सारा अपना जीवन का ताना बुन कर रखा होता है। कोई बेटी की शादी की कल्पना करता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बिटिया के विवाह के लिए हमारा भविष्य निधि सुरक्षित हो जाएगा। अब आज के दौर में जब समय बदला तो बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कुछ भी टेक्निकल पढ़ाई थी वो अपना जीवन आगे चला सके। लोग जो पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं तो एक उनका सपना होता है कि चलो मेरी भविष्य निधि बची, पीएफ तो है, बड़ी सीना ठोक कर कहते हैं वो कि पीएफ है। लेकिन अब पीएफ की भी बुरी हालत है। 2009 से जो मेरे पास जानकारी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं करोड़ों रुपए अभी अनयूज दिया, या आप यूं कहिए गुमनाम फंड के रूप में वहां पर भविष्य निधि में जमा हुआ है। अब बहुत सारे लोग हैं जो पीएफ के दायरे से निकल गए। मान लीजिए हम इस संस्थान में है, एक दायरा होता है कि भाई इतने हजार की तनख्वाह वाले का पीएफ कटता है, या फिर एक नियम है कि संस्थान अगर पहले से किसी संस्थान में आपका पीएफ कटा है एक भी दिन, तो आप किसी नए संस्थान में जाएंगे तब फिर आपके पास सैलरी चाहे जो कुछ हो वो आपका पीएफ काटना बाध्यता होगी। अब इसमें भी तमाम गाल मेल हो गया, बहुत सारे लोगों का पीएफ कटता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं पीएफ बहुत वर्षों तक कटा है, उसमें भी इन्होंने उस धन में 2009 के बाद जो जमा धन है, मान लीजिए किसी का पीएफ 2009 के बाद नहीं कटा जी,
या और उसका धन अभी तक जमा है, तो इतने वर्षों के ब्याज को भी संगठन ने कोई इस पर निर्णय आज तक नहीं दिया है, तो हजारों करोड़ रुपया हुआ है और हमारे जैसे लोग भी, मेरा भी 2009 तक का एक अच्छी खासी राशि जमा है। अब 2009 से 2022 हो गया, लगभग 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष ब्याज अभी घपले में है, तो पीएफ संगठन की विश्वसनीयता भी एक तरीके से खतरे में है, विश्वसनीयता पर का भी संकट है और इस तरह का ब्याज है, तो मुझे लगता है संगठन पर ही अब एक तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शांतनु जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब वो जो तमाम लोग जो प्रोविडेंट फंड के दम पर कहा जाए तमाम जो सपने हैं वो देखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कटौती हो जाएगी क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो घटा दी गई हैं और देश में ईपीएफओ के 5 करोड़ सदस्य हैं जिन पर सीधा इसका असर पड़ने वाला है क्योंकि ब्याज दरें अब कम हो गई हैं।